ये छुआरा डलता है, देखिए नर छुआरा, ये हम शक्कर से मंगाते हैं। अच्छा, दिल्ली और जबलपुर अभी भी फुप्पी के लड़कों की वहाँ पर दुकानें चल रही है, रेस्टोरेंट चल रहा है वहाँ पर। यही बादुल्ला अंसारी और जो मेरे दादा का नाम है बादुल्ला अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उजिया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई लियाकताबाद में, और हम आए हैं आज एक नई जगह पे। मेरे लिए नई जगह है, वैसे तो ये काफ़ी पुरानी है, और इसका नाम है जुम्मा गुज्जर निहारी हाउस। निहारी भी है यहाँ पे, बिरयानी भी है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, काफ़ी रिकमेंडेशन थी, इसको ज़रा चेक करते हैं। और आगे जो है ना वो एक कबाब हाउस भी है यहाँ पे, निज़ामुद्दीन, बहुत ही पुराना, इसको भी टेस्ट करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि जुम्मा गुज्जर पे क्या हो रहा है, तो फिर चले। अभी आपका जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले, लेकिन 9 बजे आ रहे हैं। अभी आपका जिक्र किया मैंने, कहा भाई वो तो हम भाई चांस आए, अभी उन्होंने बताया आपके फैन बुला रहे हैं, वो आपके फैन भाई कैसे ठीक है। निहारी की तलब होती है, हम यहीं आते हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम भाई। जी सुल्तान भाई, आप दोनों भाई हैं? जी जी। अच्छा 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 भाई, ये हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह जुम्मा गुज्जर के रूए रवा दोनों भाई। तो ये पहले तो बताएं ये क्या राज है, क्या क्या टेस्ट है, किस तरह से? जी टेस्ट अल्लाह ने मेरे डाला है, इसमें अल्लाह की रहमत हुई है, देसी घी का तड़का मेरा फेमस हुआ है। और बेसिकली काम मेरा डेयरी का है, मेरी डेयरी भी है अपनी, तो घी लोग ये बोलते हैं भाई देसी घी कहाँ से, तो मेरा ये सामने देखें डेयरी का काम है। हाँ नहीं, मेरा दूध का ही काम है, हमारा बेसिकली काम जो है ना दूध का ही है। ये नहारी हमें 5 साल हुए शुरू करे हुए, पर अल्लाह ने शूट अभी सोशल मीडिया के ज़रिए आप जो के चैनल के ज़रिए से अल्लाह ने इसको बहुत हाई अलर्ट कर दिया, और जायका भी है, मैार भी है, और देसी घी का तड़का सिर्फ जुम्मा गुज्जर नहारी पे जो कि कहीं नहीं, अल्लाह ने जो है ना इसको बहुत इज्जत दी है, और मैार भी मेरा अच्छा है, और आप लोगों के उससे के देसी घी के तड़के वाली सिर्फ है। और क्या क्या है? बांसपति चावल में बिरयानी होती है, पकवान का हवाला है हमारा, पकवान का भी काम है हमारा। निहारी में गोश्त कौन सा होता है? ये भैंस का गोश्त होता है, सबका जितने सबका भैंस का गोश्त है, नली भी है। निहारी चीफ प्राइस में साहब 300 रुपये की सिंगल निहारी है हमारी, स्पेशल तछला है हमारा वो 1200 रुपये का है, और सिंगल स्पेशल है 900 रुपये का, उसमें ना मगज़ नली और देसी घी का तड़का प्लस जो कि कहीं नहीं अपने हैं, और आपको घी भी दिखाएंगे अभी हम अपने। और आपको देसी घी के और भी लोग भी देसी घी का लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये देसी घी खाली हमारे घर का है, क्योंकि आपका डेयरी है, हमारा डेयरी का काम है ना, तो अपने हाथ से बनाते हैं, अपना बनाया हुआ 100% आपको देसी घी हमारे यहाँ मिले, हमारा दावा और होगा, पर हमारे यहाँ आपको अपनी लस्सी है, फेमस लस्सी, फेमस लस्सी है हमारी, दिलबाग लस्सी। कैसे भैया दिखे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, माशाल्लाह निहारियां निकल रही है। ये लो ये लगाना, चार सौ बाल्टी देसी घी की, बाल्टी की भाई को दिखाएं देसी घी की, करीब करके दिखा होता है ये देसी घी, ऊपर करके दिखा। ओ 100% देसी घी भाई, खुशबू आ रही है देसी घी की, खुशबू जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, नो डाउट इनका अपना बनाया हुआ है ये। ये हमारा स्पेशल तछला है, ये जो बन रहा है ना ये 1200 रुपये चीप प्राइस में, देसी घी का तड़का नली मगज ये 1200 वाला है जी साहब, इसमें नली डलेगी और देसी घी का तड़का भी लगेगा। अच्छा, ये सिंगल नारी है, ये हमारी सिंगल नारी है, देखिए सर रोटी अच्छी लगी है, चले चले जाए जाए जाए, देखिए गरम गरम रोटी, रोटी का भी आपको म्यार अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे गरम गरम रोटी मिलेगी। जबरदस्त। चले बेटा, ये लग रहा है तड़का। ये पार्सल के ही है, ये जो तड़का है ना ये पार्सल में लगे, पार्सल में लगे जी। ये आपके जो जैसे ये अभी सर्फ आपको दिखाया क्वांटिटी के हिसाब से मैंने, कि आपके चैनल की ओर से ये भी दिखा दें। ये बारह नली लगाओ बेटा इसमें, ये देखिए ये पूरा हो गया। ये भाई लहरी का सेटअप है, ये बिरयानी का सेटअप है जी साहब। ये बासमती चावल की बिरयानी, बासमती चावल की चिकन बिरयानी। क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन माशाल्लाह, जानम फिदाए हैदरी। ये चीज़ ओए हो बिरयानी की खुशबू तो बहुत आला आ रही है भाई। बासमती चावल की चिकन बिरयानी जुम्मा गुजर स्पेशल। कितने की प्लेट है? 180 की। 180 चिकन बिरयानी जी। चिकन बिरयानी 180 की है जी जी। वाह। ये सुल्तान भाई लस्सी का सेटअप दिखा रहे हैं हमें। ये गरम दूध होता है नर छुआरे वाला। गरम दूध देखिए कैसा लाल हुआ है, नर छुआरे वाला। नर छुआरे वाला जी साहब दिखा दे आपको जी जी जी। 100 रुपए का पाव होता है, देखिए ये कितने का होता है? 100 रुपए पाव। 100 रुपए पाव जी। ये देखिए कलर आप ओरिजिनल, ये छुआरा डलता है देखिए, नर छुआरा। ये हम शक्कर से मंगाते हैं छुआरा, शक्कर स्पेशल जी। ये नर छुआरा आप ये देखें, आपको अभी और फूलेगा, जितनी देर पड़ा रहेगा इतनी देर जो है फूल जाएगा। और ये देखें मलाई देखें, आपको जैसे ग्राहक आएंगे उनको इसी तरीके से इसी क्वांटिटी में दी जाती है मलाई मार के जी। मलाई ये तो दूध का प्याला पी के पेट भरे हैं, ये तो ऐसा है जी जी। सुल्तान भाई ने कहा है कि भाई अभी आप दूध चेक करें ज़रा जी, फिर लस्सी तो ये पूरा पूरा प्याला दे रहे थे, लेकिन मैंने बोला अभी नहरी भी खानी है तो थोड़ा सा दे दें ज़रा टेस्ट करने के लिए। 100 रुपये का भाई प्याला होता है ये, एक प्याला आप पी लें तो काम हो जाए आपका। ये गर्मा गर्म दूध और इसमें ये मोटी मोटी मलाई देखें आप। वाह 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 बिस्मिल्लाह। बादाम पिस्ते वाला गाढ़ा गाढ़ा, इलायची भी है इसमें, इलायची की खुशबू और ये मलाई देखिए मलाई। ये असल लस्सी के अंदर दूध के अंदर जब मलाई है ना, वो अगर मोटी मलाई है तो समझो दूध मज़ेदार है। गुज्जर भाई खड़े हैं, इनके ज़्यादा दूध का किसको पता होगा भाई। घूमने लगाओ मलाई का। अच्छा भाई खाना आ गया है हमारा जुम्मा गुज्जर निहारी के ऊपर, और हमारे साथ हमारे देरीना दोस्त तनवीर भाई और बाबर भाई बड़े दिन के बाद हमारी इस वीडियो के अंदर मौजूद है। और इत्तेफाक से जो काम होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको जो है रंगे हाथों पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया है निहारी के ऊपर। निहारी हो तो पहले लवाजमात उसके सबसे पहले जो है ना वो डालने जरूरी है, तो थोड़ी सी हम अदरक की टॉपिंग कर ले भाई। आपने निहारी लेटर भी तो लिया है माशाल्लाह, इसमें देखे ना। हाँ ये निहारी इधर रखो ना, ये बाबर भाई को ज़रा आसानी रहे। और ये फिर इसके बाद मेन चीज़ नींबू का तड़का, ये चीज़ मेरे ये चीज़ ये जो अब आएगा ना जायका माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करें भाई, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। पहले आप बिस्मिल्लाह करें, फिर हम आपके साथ। आप बिल्कुल, आप भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड ब्लॉगर है हमारे साथ मौजूद, उसका पहले रिव्यू बनता है ना। नहीं नहीं यार, आप लोग साथ साथ करें, साथ 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 साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बोलती है निहारी आपसे? निहारी के अंदर जो इन्होंने, अच्छा ये दोनों भाई जो है ना मेरे पीछे खड़े हुए हैं, आपने जरा दिखाना अपना कैमरा घुमा के। खाते ही जो असल में जो ये इतना ज़बरदस्त तड़का लगता है ना देसी घी का, उससे आग का जो स्मोकी एक फ्लेवर होता है ना, तो स्मोकी जो फ्लेवर है वो इसके अंदर मुझे सबसे पहले आया है। थोड़ा सा जिस तरह बारबेक्यू के अंदर भी एक हल्का सा एक टच होता है ना, तो वो आग का इतना बड़ा सा जो, वैसे भी और दूसरी जगह पे हम जाते हैं निहारी खाते हैं
तो उस पर भी तड़के लगते हैं घी के, लेकिन ये जो आग के साथ तड़का लगाया ना, ये आतिशी आतिशी तड़का, तो वो थोड़ा सा उससे माहौल माहौल बेहतरीन है। और इस निहारी की सबसे खास बात ये है कि ये जितनी भी आप खा लें आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। अच्छा, ये इसकी खासियत है। माशाल्लाह निहारी का टेस्ट जो है ना वो मज़ेदार है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि जो स्ट्यू है, जो सालन है इसका, थोड़ा तो थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा है उसके अंदर। मिर्चें भी इसमें थोड़ी सी मुझे हाँ कम लग रही हैं इसके अंदर। और यही बात होती है कि हर जगह का, हर हाथ का अपना जायका होता है, जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर नियारी में आपको मिलता है वो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। तो दूसरी बात ये चीज़ आपको नज़र आ रही हो कि नियारी ना कहीं पे जम नहीं रही, नियारी नॉर्मली जम जाती है, ये इसकी खास बात है। और आपके पास मगस हो, नली हो, उसके अंदर दीगर चीज़ें हो, तो आपको प्लेटर लगता है ना कि कभी यहाँ घूमे तो आप खा जाता है, यहाँ जाता है। ये 900 रुपए की प्लेट है भाई, मगस भी है इसके अंदर, नली भी है, एक बड़ी सी बोटी भी है। मेरे ख्याल से जिया भाई कम से कम 4 से 5 बंदे मज़े से खा सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और नियारी है बहुत अच्छी, 4 से 5 तो नहीं खा लेते, अगर अगर भूख लगी हो हाँ तो 3 बंदे खा सकते हैं। और अगर कोई निहारी के शौकीन है मेरी तरह तो 2 लोगों के लिए काफी है। ओके भाई, खाने आए तो आप सही से खाए ना। मुझे तो लग रहा है आप निहारी के इतने शौकीन है, अकेले ही खा लेंगे आप, इतने शौकीन लग रहे हैं। हाँ, कश्ती में बिठाने वाली बात है। ये आप देखें चंक, और इस पे थोड़ा सा हम ये हरी मिर्च डालें, हल्की सी अदरक। ये हमारा सिग्नेचर शॉट है भाई, लीमो वाला। ओए हो, कमाल। यस है, यस, जबरदस्त हो भाई। ये जो बिरयानी है ना, ये मैंने देखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, खुशबू भी और बहुत आला आ रही थी। और चिकन बिरयानी बासमती राइस की, बिस्मिल्लाह, मज़ेदार है। ज़्यादा मिर्च नहीं है, मसाले बैलेंस है। हाँ, बैलेंस मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं है इसके अंदर। और बिरयानी की जो एक्चुअल खुशबू होती है वो भी राइस के अंदर आ रही है, बेहतरीन। हाँ भाई, अब नंबर आ गया हमारी लस्सी का। और लस्सी के ऊपर जो है ना वो ये देखें, जिस तरह दूध के अंदर मलाई थी उस तरह ये लस्सी के अंदर गाढ़ी गाढ़ी मलाई। इसको आप ऐसे ही टिशू की तरह जो है ना वो बना के खा लें। अभी हमने मगज़ खाया है, गूदा खाया है, उस पर ये मलाई, अब मलाई की तह बिठा रहे हैं ऊपर से आप। रोज़मर्रा के रूटीन के अंदर ये मगज़ और गूदा और निहारी और मलाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी 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 चलती है, कभी कभी चलता है। वन शॉट लस्सी। हाँ भाई, गुज्जर नाम हो और लस्सी हल्की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत आला लस्सी, आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छी थी गुज्जर की वजह से। नहीं नहीं, सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन लस्सी जो है ना वो बहुत ही गाढ़ी, मीठी, ठंडी, मज़ेदार। निहारी खा ली, बिरयानी खा ली, लस्सी भी पी ली, लेकिन एक चीज़ और आई है भाई, और ये है गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के ऊपर आप देखें अखरोट, काजू, बादाम, बहुत ही ज़बरदस्त खोया गाजर, बहुत ही रिच टेस्ट है गाजर के हलवे का जो है ना, बहुत ही रिच टेस्ट है ये। आप देखें खोए की इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर। ये स्पेशल मेरे लिए या सब में ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसे ही होता है, ये ऑर्डर पे बनाते हैं, वैसे नहीं बेचते। अच्छा, ये वैसे नहीं होता? वैसे नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये शादी ब्याह देकर तकरीबात के मौके पर, ये तो घर में रखा होता मैंने आपके लिए। ये हमारे लिए स्पेशल दवाई है, शादी ब्याह वगैरह के जो ऑर्डर होते हैं उस पर ये बनता है, और बहुत ही ज़बरदस्त। सुल्तान भाई माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त निहारी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी। बाबर भाई सर, रणवीर भाई, ये भाई निकलेंगे, इनके क्वेटा से मेहमान आए हुए, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं यहीं पे। हम जाएंगे ज़रा कुछ कबाब वगैरह ट्राई करेंगे, क्योंकि एक खाने में तो हमारा हिसाब किताब होता नहीं है। चले चले चले। भाई निज़ामुद्दीन अंसारी पे मज़ेदार कबाब टिक्के वगैरह तो लग रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। भाई ये हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज अंसारी, और इम्तियाज अंसारी से मेरी मुलाकात हुई थी मदीना मुनव्वरा में, है, और उस टाइम पर कमिटमेंट हुई थी कि मैं यहाँ पर इंशाल्लाह आऊँगा,
लेकिन आते आते तकरीबन साल लग गया। बिल्कुल बेशक। रमजान में मुलाकात हुई थी हमारी, तो भाई माशाल्लाह जबरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो निजामुद्दीन अंसारी किसका नाम है? निजामुद्दीन अंसारी जिया भाई मेरे वालिद साहब का नाम है। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया तकरीबन 10 साल पहले। अच्छा, तो आप ही देख रहे हैं अभी? मैं और मेरे बड़े भाई हैं जाहिद भाई। अच्छा। हम लोग ये मिलके देखते हैं। मैं अभी मैं ज़्यादातर केटरिंग साइड देखता हूँ, बाहर के आउटडोर के जो ऑर्डर वगैरह होते हैं, जैसे अभी भी हमारी कैटरिंग लगी हुई थी वहीं से आ रहा हूँ। निजामुद्दीन अंसारी का तो इंडिया में है ना? इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली से बिल्कुल, दिल्ली जबलपुर से हमारा काम है। अच्छा। दिल्ली और जबलपुर बिल्कुल। आपके अबाओ भाईजाद वहाँ से? अच्छा, जबलपुर से। जबलपुर से। वहाँ पे अभी भी आपके रिश्तेदार? अभी भी फुप्पी के लड़कों की वहाँ पर दुकानें चल रही है, रेस्टोरेंट चल रहा है वहाँ पर। यही बादुल्ला अंसारी, और जो मेरे दादा का नाम है बादुल्ला अंसारी, तो ये अंसारी जो एक चल रहा है ये वहीं से चलता हुआ इंडिया में जो है ना, वो बादुल्ला अंसारी के नाम से जो कबाब है उसका जायका, और ये हमारे निजामुद्दीन अंसारी का जायका, बिल्कुल बिल्कुल वो एक ही जैसा होगा। बिल्कुल एक जैसा है। आप गए कभी जबलपुर? गए? मेरा 13 विजिट हो चुके हैं, मैं 13 टाइम जा चुका हूँ इंडिया। लास्ट टाइम कब गए थे? लास्ट टाइम में गया था 99 के अंदर। अबे 99 के अंदर गए थे ना, उसके बाद अच्छी बात है, उसके बाद से फिर हालात नहीं है ना। मतलब आप तो रिसेंटली गए थे। मैं थोड़ी गया हूँ, आपका इंडिया का। लखनऊ? हाँ हाँ। वो हम ऑनलाइन जाते हैं। अच्छा, वो ऑनलाइन जाते हैं, जबरदस्त हो गया वो। हम ऑनलाइन जाते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं। लखनऊ और कराची का एक कोलैब किया था हमने, दिल्ली के साथ भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो हम ऑनलाइन जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया से भी लोग यहाँ पे आए, जरूर आए, पाकिस्तान से भी यहाँ वहाँ पे लोग जाए। बिल्कुल जाए इंशाल्लाह ताला। अभी आपके पास कौन कौन से कबाब है? अभी हमारे पास यहाँ पर है बिहारी कबाब, जिसको बीफ बोटी भी कहते हैं, बिहारी बोटी कहते हैं, और गोला कबाब है, और मलाई बोटी है, बिहारी टिक्का हमारा स्पेशली। बारबेक्यू तो बहुत सारे हम बना रहे हैं, मगर यहाँ रिटेल में अवेलेबल नहीं है। जैसे बलोची टिक्का है, तुर्किश कबाब है, दूसरी शादी पकवान वगैरह में। बेसिकली हमारा जो ज़्यादा काम था शुरू से वो शादी ब्याह का ही है, केटरिंग का है। ये 5-6 सालों से हमने रिटेल शुरू करी है, वरना टोटल फोकस जो है वो हमारा केटरिंग का ही है, ऑर्डर लाइन का ही। आपका क्या नाम है? शाहदेव भाई। बना रहे कौन से कबाब? गोला कबाब बना रहे शाहदेव भाई। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर अंसारी। ताहिर अंसारी जी। आप उनके इम्तियाज भाई के भाई हो? नहीं नहीं, फिर मैं भतीजा हूँ। भतीजे होंगे। टिकटॉक पे भी हो तुम? जी टिकटॉक पे है ना जी। तो स्टाइल से पता लग गया हमें कि तुम टिकटॉक को क्या करते हो। टिकटॉक पे कुछ भी नहीं, ऐसे चला लेते हैं कभी कभी यूज कर लेते। क्या कैसी वीडियो बनाते हो? नॉर्मल बना लेते हैं। तो कोई बना के दिखाओ? नहीं नहीं। अरे क्या जो काम पर है। अबे यार क्या हो गया इसमें यार? अरे ये लड़का हीरो लग रहा है, हम समझ गए टिकटॉकर है ये। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। कौन सी गाड़ी है ये? ये वीगो है। वीगो भाई, वीगो। ये भाई बिहारी बोटी, ये आ गए धागा कबाब, ये आ गए गोला कबाब, ये दोबारा बिहारी बोटी, ये मलाई बोटी और चिकन टिक्के वगैरह वो सब वहाँ पे लगे हुए। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओके भाई, खाना आ गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त था, और आई है हमारी चिकन बिहारी, बिहारी कबाब और गोला कबाब का। निज़ामुद्दीन का सेटअप जो है वो तकरीबन 70-75 साल पुराना है। पाकिस्तान बनने के बाद जब हिजरत करके इनके वालिद साहब यहाँ पे आए, तो इन्होंने ये सारा काम अपना जो है ना वो वहीं से शुरू किया जो दिल्ली में करते हुए आ रहे थे। और इसीलिए जो जायका है यहाँ पे वो बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल जायका। ये आप पराठे देखें, ज़बरदस्त से पूरी पराठे, मुँह में पानी आ रहा है भाई। और ये हमारी बिहारी बोटी, बिहारी कबाब। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे कबाब हैं बिहारी कबाब जो मुंह में गए और घुल गए, और इनको होना भी ऐसे ही चाहिए। बहुत ही चटपटे मसालेदार मज़ेदार कबाब हैं बिहारी। और ये है भाई गोला कबाब, शादियों में जो बारबेक्यू होता है ना, ख़तरनाक वाला, मज़ेदार वाला, अच्छा वाला बारबेक्यू, वो मज़ा है उसका। ख़ास तौर पे मेहंदियों के अंदर जो है ना वो कबाब पराठा बहुत ज़्यादा होता है, कबाब पराठा, तरकारी, हलवा। अच्छा, हम बैठे तो हैं भाई निज़ामुद्दीन अंसारी पे, लेकिन ये जो इम्तियाज़ अंसारी भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना सेटअप शुरू किया था अपने नाम से, फरजंदे निज़ामुद्दीन अंसारी इम्तियाज़ अंसारी के नाम से एक ही सेटअप है माशाल्लाह। आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, इनका अपना भी फेसबुक पेज है, वरना निज़ामुद्दीन भी है, तो इसी तरह से मामला चल रहा है। बेहतरीन सीन है भाई, और खाना बहुत लाजवाब है। ओके भाई, तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को मज़ेदार कबाब, बिरयानी, नहारी वगैरह वगैरह पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।